चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सीएमसी वेल्यूर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये इंडिया की टॉप 3 मेडिकल कॉलेज में आती है। इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हुए भी फीस इसकी काफी कम है, यानी फर्स्ट ईयर की फीस देखें तो 52,000 के नियर बाई इसकी फीस है और 10,000 इसमें हॉस्टल है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की फीस देखें इसकी तो 27,000 से 28,000 के नियर बाई इसकी फीस रहती है। कम फीस रहने और टॉप मेडिकल कॉलेज होने के कारण इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। इसका एडमिशन क्राइटेरिया 2022 से चेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसके एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर केस चल रहा था, वो फाइनल हो चुका है और 10 अगस्त 22 को रिजल्ट आ चुका है। इसका डिसीजन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स भी इलिजिबल हैं या फिर इसमें कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे, क्या इसका एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, एमबीबीएस, बीडीएस, सेंटर पूल कोटा, इन सब के बारे में बुक अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने कट ऑफ, सीट मैट्रिक, सर्विस बॉन्ड के बारे में जानकारी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, हर एक स्टेट के काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में भी जानकारी है इसमें। इसके बाद में च्वाइस लिस्ट भी दी गई है 2022 में आपको कैसे च्वाइस फिल करनी है। तो ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे ही आप ये बुक डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम सीएमसी वेल्यूर के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो 2022 में जो चेंज हुआ एडमिशन क्राइटेरिया को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि 2020 तक इसमें क्या एडमिशन क्राइटेरिया था। तो इसमें हम 2020 तक एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें इसमें, तो इसमें टोटल 100 सीट्स हैं। इस कॉलेज में टोटल 100 सीट्स हैं। 2020 तक इसमें एक ओपन कोटा हुआ करता था। इस ओपन कोटा में ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसमें 12 सीट थी इसकी। इसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट कोई भी स्टेट का हो उसमें 3 सीट्स थी। इसके बाद में सेंट्रल पूल कोटा की इसमें 1 सीट थी। तो टोटल ओपन की हम सीट मिलाते हैं तो टोटल 16 सीट्स हो जाती हैं। यानी कि सीएमसी वेल्यूर में इन 16 सीट्स पर ऑल इंडिया का किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता था। जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से था, ये 2020 तक था। इसके बाद में जो माइनॉरिटी नेटवर्क की सीटें थी वो 74 सीट्स थी और 10 सीट इसमें जो सीएमसी वेल्यूर का स्टाफ कोटा है उसके लिए थी इसमें 10 सीट्स। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो माइनॉरिटी नेटवर्क आता है उसमें कौन से कैंडिडेट्स आते हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं कि जो माइनॉरिटी नेटवर्क है उसके अंदर जो सीएमसी वेल्यूर नेटवर्क है, जिसके एसोसिएटेड जो चर्चेज हैं, चर्च हैं, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो पहले 74 जो सीट्स थी वो इस कैटेगरी के कैंडिडेट को अलॉट होती थी। इसके बाद में जो सीएमसी वेल्यूर का स्टाफ कोटा है, मतलब ये है कि जो सीएमसी वेल्यूर में अभी वर्किंग कर रहे हैं, जो उनका स्टाफ है, उनके वार्ड्स के लिए, उनके बच्चों के लिए ये सीट रिजर्व है सीएमसी वेल्यूर के स्टाफ कोटा के लिए। अब हम आगे बात करेंगे जो नेटवर्क के जो चर्च हैं वो कितने हैं, कितनी डायोसेस हैं इसके अंदर। तो इसमें हम देखें जो टोटल इसमें डायोसेस हैं वो 62 डायोसेस हैं। ये 62 डायोसेस से स्पॉन्सर किए जाते हैं कैंडिडेट्स। लेकिन एमबीबीएस की हम बात करें तो एमबीबीएस के लिए सिर्फ 40 डायोसेस को ही अथॉरिटी है, वो 40 डायोसेस ही एमबीबीएस के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं कैंडिडेट को। सीएमसी वेल्यूर में मेडिकल के बाकी 7 कोर्स अलग चलते हैं, उन 7 कोर्सेज के लिए टोटल 62 डायोसेस हैं तो आप यहां पर स्पॉन्सर करते हैं कैंडिडेट्स को। अब इसमें हम बात करें, आगे हम देखते हैं कि 21 में इसका क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया था। तो 21 में ये केस सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी को लिस्टेड हुआ था, यानी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और सीएमसी वेल्यूर के लिए ये केस लिस्टेड था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सीएमसी वेल्यूर के अगेंस्ट ये केस फाइल किया था। उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये सीटें जो सीएमसी वेल्यूर की हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए शेयर हों। तो इसमें 21 में फाइनल नहीं हुआ था, इस कारण
जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये डिसीजन दिया था कि जो 21 में है वो एडमिशन क्राइटेरिया इस प्रकार से फॉलो होना चाहिए। तो इसमें टोटल 21 के लिए 100 सीट थी, इसमें तमिलनाडु स्टेट कोटा के लिए 70% सीट रखी गई थी, यानी कि 70 सीट्स उन कैंडिडेट्स के लिए थी जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए ये 70 सीट्स रखी गई थी 21 में। इसके बाद में जो माइनॉरिटी नेटवर्क मैंने आपको बताया जो डायसेस है उनसे टोटल 20 सीट्स ही 21 में ये अलॉट की थी, टोटल 21 में 20 सीट्स अलॉट की गई थी, ये टोटल 20 सीट्स माइनॉरिटी नेटवर्क को अलॉट की गई थी। जो सीएमसी वेल्यूर का कोटा है 10 सीट से, इसमें 10% है उनको बिल्कुल टच नहीं किया गया था, ये 10 सीट उनको अलॉट की गई थी। यानी कि हम 21 का जब एडमिशन देखें तो इसमें टोटल 70 सीट्स स्टेट गवर्नमेंट के जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं उनको अलॉट हुई थी, 20 सीट से डायस वाइज अलॉट हुई थी, और सीएमसी वेल्यूर का स्टाफ है उनको 10 सीट अलॉट हुई थी। लेकिन 21 में कोई किसी प्रकार का ओपन कोटा अलॉट नहीं हुआ था, ओपन कोटा की सीट कोई भी अलॉट नहीं हुई थी 21 में, यानी कि जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनको सीट अलॉट नहीं हुई थी। ये जो माइनॉरिटी नेटवर्क है इसमें ऑल इंडिया के डायसेस इसमें आते हैं, उनको ये अलॉट होती है ये सीटें। तो ये हमने 21 में देखा कि इस प्रकार से सीटें अलॉट हुई थी इसमें। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो नेक्स्ट में है अभी 2020 में किस प्रकार से सीट अलॉट होगी, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। 10th of August 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि इसमें जो एक सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के थ्रू और सीएमसी वेल्यूर के बिटवीन जो एग्रीमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट उस पर एग्री हो गया है। और वो एग्रीमेंट ये था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट को सीएमसी वेल्यूर 50% सीट शेयर करेगी और 50% सीट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल की जाएंगी, यानी कि इस टोटल 100% सीट्स में स्टेट कोटा की 50 सीट्स होंगी और मैनेजमेंट की 50 सीट्स होंगी जो सीएमसी वेल्यूर द्वारा रिजर्व रखी जाएंगी। हालांकि जो इसमें अलॉटमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, लेकिन ये जो 50% सीट मैनेजमेंट कोटा की है इन पे राइट इसमें सीएमसी वेल्यूर का है। तो जो स्टेट कोटा के अंदर 50% सीट यानी 50 सीट्स अलॉट की जाएंगी वो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को 30 सीट यानी कि जो तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनको 30 सीट्स अलॉट की जाएंगी। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू होगी, यानी कि इसमें जो रिजर्वेशन है वो टोटल तमिलनाडु स्टेट का 69% इसमें रिजर्वेशन है, इसी में 7.5% रिजर्वेशन उन बच्चों के लिए है जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी कर रहे हैं किए हुए हैं, यानी कि 6 से 12 तक जिन्होंने तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी किया है उनका 7.5% रिजर्वेशन लागू है। ये रिजर्वेशन तमिलनाडु के बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी लागू है, तो ये यहाँ भी रहेगा और ओपन के लिए 31% यहाँ पर रिजर्वेशन रहेगा। तो ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है ये तमिलनाडु के स्टेट के ये 30 सीट्स पर ये लागू होगी। इसमें ये जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी की कैटेगरी के कैंडिडेट हो, इसमें हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, लेकिन वो तमिलनाडु डोमिसाइल का होना चाहिए, तमिलनाडु नेटिविटी का होना चाहिए इन 30 सीट्स के लिए, और इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। अब जो तमिलनाडु स्टेट के ही क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20 सीट्स यहाँ रिजर्व की गई है। जो तमिलनाडु नेटिविटी के क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 20 सीट्स है, इनमें कोई किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। तो ये जो गवर्नमेंट कोटा 30 सीट्स है और 20 सीट्स इसमें तमिलनाडु के जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं इस प्रकार के, इन दोनों की मिला के ये 50 सीट्स अलॉट की जाएंगी। बाकी ये 50 सीट्स है मैनेजमेंट कोटा के लिए रखी गई है। जो सीएमसी वेल्यूर के लिए इसमें 40 सीट्स जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का मैंने बता दिया आपको, डायसेस के जो कैंडिडेट्स हैं स्पॉन्सर्ड हैं, चर्चेज के जो कैंडिडेट्स हैं स्पॉन्सर्ड हैं उनके लिए ये 40 सीट्स इसमें यहाँ रिजर्व रखी गई हैं। तो ये राइट है, ये पूरा सीएमसी वेल्यूर के अंडर ये सीट्स हैं,
ये सीएमसी वैल्यूर इन पर अलॉटमेंट तो हालांकि स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इनके लिए राइट सीएमसी वैल्यूर रखता है। 10 सीट है जो सीएमसी वैल्यूर में स्टाफ है, जो अभी सीएमसी वैल्यूर में नौकरी कर रहे हैं, वहां वर्किंग स्टाफ है, उनके वार्ड्स के लिए ये 10 सीट्स रखी गई हैं। ये एज इट इज है, ये पहले भी थी और अभी भी है और 21 में भी थी। लेकिन जो ये 40 सीट्स है इसके अंदर जो राइट है ये पूरा का पूरा सीएमसी वैल्यूर को है। इसमें अगर वो चाहे सीएमसी वैल्यूर अगर चाहे तो ये पूरी की पूरी नेटवर्क को भी दे सकता है, इसमें माइनॉरिटी नेटवर्क को दे सकता है, हो सकता है इसमें ऑल इंडिया के लिए भी कोई सीट इसमें रिजर्व रखे जो पहले होती थी। लेकिन मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें ऑल इंडिया के लिए कोई सीट रखी जाएगी, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो प्रीवियस ईयर में फॉलो हुआ है, और प्रीवियस ईयर का हम 21 में देखें तो इसमें कोई किसी प्रकार की सीट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को नहीं दी गई है। फिर भी इसका क्लियर नहीं किया गया है कि ये 40 सीट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये क्लियर एडमिशन के टाइम पर ही पता लगेगा। अभी जो 40 डायसेस है हो सकता है इसमें ईच डायसेस को 1 सीट अलॉट की जाए, क्योंकि जो 21 में एडमिशन हुआ था इनमें जो डायसिस में वो एक डायसिस के लिए एक ही कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी, इसमें 20 सीट्स थी 21 में, तो ये जो 20 सीट्स थी 40 डायसिस थे, तो जो मेरिट के 20 डायसिस के कैंडिडेट्स थे उनको ये सीट अलॉट हुई थी। अभी इसमें जैसे कि हम मान लो, एक बार मैं आपको ये समझाता हूं इसमें अलॉटमेंट कैसे होता है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक प्रीवियस स्लाइड पर लेके चलता हूं आपको कि ये कैसे एडमिशन होता है, इसमें डायसिस में किस प्रकार का रिजर्वेशन होता है। तो एक बार हम बैक में चलते हैं यहाँ पर, तो बैक में चलेंगे तो जैसे यहाँ ये डायसिस की लिस्ट है, मान लो ये डायसिस में एक स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर इस प्रकार से समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये डायसिस में अलॉटमेंट होता है। मान लो एक ये है डायोसिस, इस पे फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है, इस पे फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है, दूसरा डायोसिस दूसरे रैंक का स्टूडेंट ये है, इसके बाद में तीसरा डायोसिस है ये है तीसरे रैंक का स्टूडेंट ये है, अभी इसमें चौथी रैंक का स्टूडेंट इसी डायोसिस में आ गया है, और छठवीं पांचवी रैंक का डायोसिस में इसी में आ गया है, और छठवीं रैंक का इसी के अंदर आया है। तो इस प्रकार से ये रैंक वाइज है इसमें। अब ये जो पहली सीट पहली रैंक को इसी डायोसिस को दी जाएगी, दूसरी जो रैंक है वो दूसरे डायोसिस को दे दी जाएगी, जो 21 में हुआ था उसका मैं बता रहा हूं, तीसरी सीट इसी डायोसिस को दे दी जाएगी, लेकिन चौथी सीट इस डायोसिस को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट इस डायोसिस को यूज कर चुका है, इसकी सीट को यूज कर चुका है, तो ये चौथे नंबर पर मान लो ये डायोसिस आ रहा है तो इसको ये अलॉट की जाएगी। तो इस प्रकार से 21 में ये डायोसिस में सीट अलॉट हुई थी, उसका प्रोसीजर ये था। अभी हो सकता है 22 में ये डायोसिस के लिए अलग से सीट का जो क्रिटेरिया है 40 सीट्स का वो चेंज कर दिया जाए सीएमसी वैल्यूर द्वारा, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन 21 में जिस प्रकार से अलॉट हुई थी वैसे मैंने आपको बता दिया है, और इसमें लिखा हुआ भी है कि प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से सीट अलॉट हुई थी उसी प्रकार से ये प्रोसीजर फॉलो होगा मैनेजमेंट सीट के लिए। तो इस प्रकार से 22 में ये सीटें अलॉट हुई थी। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो 10 अगस्त का डिसीजन है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। इसमें ये क्लियर लिखा गया है एमबीबीएस के लिए किस प्रकार से 50% सीट अलॉट होंगी, इसमें जो मैनेजमेंट कोटा है उसके लिए किस प्रकार से 50% सीट अलॉट होंगी, इसके बाद में इसमें आगे पीजी का भी क्रिटेरिया इसमें दे रखा है, पीजी में भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन जो पीजी का जो प्रोसीजर है उसमें थोड़ा सा ये किया गया है। पीजी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो पीजी के लिए है, पीजी के लिए इसमें जो 50% सीट्स हैं पीजी के लिए, मैं आपको इस प्रकार से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं, पीजी के लिए जो इसमें 30 सीट्स हैं वो तो सेम 30 सीट्स से रिजर्वेशन के हिसाब से रहेंगी ही 30% सीट्स पीजी के लिए, लेकिन जो 20 सीट्स हैं जो माइनॉरिटी नेटवर्क की सीट्स हैं इसमें एक तो तमिलनाडु स्टेट के माइनॉरिटी कैंडिडेट्स अलाउ हैं, और वो कैंडिडेट्स भी इसमें अलाउ हैं जिन्होंने एमबीबीएस सीएमसी वैल्यूर से किया है, तो वो भी
20% में आते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से उन्होंने उस समय एडमिशन लिया था या फिर माइनॉरिटी नेटवर्क से लिया था, लेकिन वो इन 20% सीट्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। 50% सीट का क्रिटेरिया है मैनेजमेंट का, वो सीएमसी वैल्यूर इस पे राइट रखता है। तो इसमें जो सेम प्रीवियस ईयर में प्रोसीजर फॉलो हुआ था वही प्रोसीजर इस बार भी फॉलो होगा। तो इस प्रकार से ये पीजी के लिए क्राइटेरिया दे रखा है इसमें, और पीजी के लिए उसमें भी दे रखा है जो हमने यहाँ ऑर्डर दे रखा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें भी ये क्लियर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये 10 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और डिसीजन मैंने आपको बता दिया है कि इस बार से 21 में भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व नहीं थी, और इस बार से भी कोई सीट रिजर्व होने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो ये जानकारी थी सीएमसी वेल्यूर के एडमिशन के बारे में। इस प्रकार के हम इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं आपके लिए, नेक्स्ट में इसी प्रकार के वीडियो लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो से हमें यह पता लगता है कि आप इस प्रकार के वीडियो लाइक कर रहे हैं तो हम इस प्रकार के वीडियो और बनाएंगे। अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो इस प्रकार के वीडियो हम फ्यूचर में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज में हमारा बहुत सा समय वेस्ट होता है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है और बहुत मेहनत लगती है। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।